पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहलाते थे या कहे जाते थे, तो वो थे एफ डब्ल्यू टेलर। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी फ्योल के सिद्धांत कितने हैं या कितने प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे हेनरी फ्योल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था, तो वैज्ञानिक प्रबंध 1913 में प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, तो श्रमिकों को लाभ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, जब परंपरागत प्रबंध चलता था उस समय श्रमिकों को मजदूरी कम दी जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कम दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, तो गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, यानी कि इस सभी का प्रयोग किए थे, कौन, एफ डब्ल्यू टेलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मानसिक क्रांति मूलधार है वैज्ञानिक प्रबंध का, संयोजन का, विवेकीकरण का, पेशा का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैज्ञानिक प्रबंध का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, तो हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंध के सिद्धांत है, तो प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, यानी कि हर जगह लागू हो सकता है, लोचशील है, जिसमें हर समय परिवर्तन किया जा सकता है, गतिशील है, यानी इसमें हमेशा गति ही रहता है, मतलब हमेशा कोई नई चीज़ का मतलब इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अगर तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, यानी कि ये सभी सम्मिलित हैं कर्मचारी के विकास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशिक्षण की गतिविधियाँ, यानी प्रशिक्षण की विधियाँ हैं सम्मेलन, व्याख्यान, प्रशिक्षणार्थी परीक्षण, उपयोग सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कर्मचारी का प्रशिक्षण है क्या है, आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के कोई भी कर्मचारी सही ढंग से किसी काम को नहीं कर सकता, तो कर्मचारी का प्रशिक्षण अनिवार्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या है, तो व्यय किया गया धन विनियोग है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी पर, उच्च प्रबंध पर भी, मध्य प्रबंध पर भी, निम्न प्रबंध पर भी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित हैं भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, ये सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, ये सभी मानव संसाधन के प्रबंध में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निर्देश के प्रमुख तत्व हैं, तो निर्देश के प्रमुख तत्व हैं चार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है, तो निर्देशन उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, यानी कि इन सभी स्तरों में निर्देशन संबंधित है, क्योंकि बिना निर्देशन का कोई भी कार्य सुचारू ढंग से या उसको अच्छे से चलाया नहीं जा सकता, ठीक है, तो निर्देशन सभी स्तर के लिए अनिवार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशन है, निर्देशन क्या है, निर्देशन अनिवार्य है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यवेक्षण है, तो पर्यवेक्षण क्या है, पर्यवेक्षण भी आवश्यक है, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से किया जा रहा है कि नहीं, और नहीं किया जा रहा है तो उसका मार्गदर्शन करना, ये पर्यवेक्षण है, तो ये क्या है, आवश्यक है किसी भी व्यवसाय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कंद विपणियों के लिए सेवी की सेवाएं हैं क्या हैं, सेवी की सेवाएं क्या हैं, स्कंद विपणियों के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि जब स्कंद विपणियां कुछ अपने स्टॉक या अपनी अंश की पूंजी सेवी के पास रख देते हैं ताकि आने वाले समय में उसका प्रयोग मिलाया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विपणन में सम्मिलित होता है क्रय, विक्रय,
भंडारण उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विपणन में ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं, क्रय विक्रय और भंडारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं है? तो कच्चा माल, कच्चा माल से उत्पाद किया जाता है, मतलब कच्चा माल रहेगा उसको नवनिर्मित किया जाएगा, उससे नए रूप देकर उसे बनाया जाएगा, तो कच्चा माल उत्पाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षक डिजाइन, उपयुक्त सभी। छोटा नाम रहेगा तो नाम मतलब उसको बुलाने में भी अच्छा रहेगा, नहीं हमको ये चाहिए, जैसे टाटा बाटा ऐसे कुछ कंपनियां हैं जो अच्छे छोटे नाम है, स्मरणीय है, जो याद रह सके काफ़ी लंबे समय तक, और आकर्षक डिजाइन देखने में भी अच्छा लगे, जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करे, ये तो अच्छे ब्रांड में ये सम्मिलित किए जाते हैं, जो ये सभी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो और अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें, और साथ ही साथ ऐसी ही अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली अगली सेट की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।